ही हम कुरान करते हैं देखो, कुरान के बाद क्या होता है, कुरान के बाद प्लांट को बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है न्यूट्रिशन की, स्पेशली जब हम कार्बन सॉरी कैल्शियम और नाइट्रोजन और पोटाशियम की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, मान लो मोस्टली अब तो हम फिर भी कुछ फार्मर्स जो मिडल बेल्ट सबकी मैं बात करता हूँ, थोड़ा से भी हाइट वालों से थोड़ा कम होता है, थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, लीजिए ना लीजिए नहीं होता है, तो हार्वेस्टिंग जल्दी हो जाती है, तो उनके पास टाइम होता है। लेकिन हाइट में क्या रहता है, मोस्टली भी हम नहीं कर पाते हैं, एक तो मोस्टली सेप्टेम्बर अक्टूबर तक होता है, फिर उसमें घास भी है, सौ चीज़ें हैं, नहीं हो पाती। लेकिन प्लांट के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो जो प्लांट की इंटरनल एक्टिविटी चलती रहती है ना। अब क्या है, अभी जितनी भी हम चीज़ें दे रहे हैं, चाहे हम स्प्रे कर रहे हैं, चाहे हम सॉइल से दे रहे हैं, अभी वो सारी एनर्जी जा रही है फ्रूट में। अभी तो मतलब वो जो बर्ड फॉर्मेशन आपकी आजकल हुई है, जो आपकी नई ग्रोथ जा रही है, उसमें तो कुछ भी नहीं जा रहा है ना। बर्ड फॉर्मेशन बर्ड डेवलपमेंट आपकी कब होगी, जैसे ही आपका प्लांट हो जाएगा, उसके बाद वो एनर्जी बीज में जानी स्टार्ट हो जाएगी। अब उस वो कैसे जाएगी, अब प्लांट के पास तो है ही कुछ नहीं, अभी पहले हम जितना भी दे रहे हैं वो जा रहा है सब फ्रूट में, है ना। अब फ्रूट में जब फ्रूट प्लग हो गया, मतलब इस टाइम पे प्लांट के पास बहुत कम एनर्जी है, अगर रिजर्व एनर्जी भी है तो वो बहुत कम है ना। तो वो प्लांट की जब डेवलपमेंट में जाता है, वो इंटरनल एक्टिविटीज चलती रहती है, तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बर्ड डेवलपमेंट चलती है वो आपके प्लांट के बाद ही चलती है। वो बर्ड डेवलपमेंट होने के लिए हमको पोस्ट हार्वेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो लोग पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, एक सिम्टम जरूर दिखता है, दो सिम्टम। एक सिम्टम क्या है कि जो हमारी फ्रूट की जो पीछे टहनी होती है जिससे फ्रूट लगता है, एक तो वो लंबा बनेगा, ठीक है ना, और उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जो लोग नहीं करेंगे वो बिल्कुल छोटा रहेगा, एक एक ये चीज़ बिल्कुल है। और कुछ हद तक मतलब क्या है, जब हम पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो नेक्टर बनता है, जो फ्लॉरिंग के टाइम पे फूल बनेगा, वो बहुत अच्छा बनता है। तो ये और थोड़ा सा आपको जो रिब्रूम आता है वो मतलब कुछ हद तक एज कम्पेयर टू जहाँ नहीं करोगे और जहाँ करोगे तो फ्लॉरिंग भी थोड़ा सा अच्छी आती है और जल्दी आती है। तो ये एक मतलब ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है उस चीज़ के लिए। और दूसरा क्या है, जब न्यूट्रिएंट्स होंगे प्लांट्स में, आपका एनर्जी होगी, तो हमारा जो बोरोन की क्वालिटी है वो भी अच्छी बनेगी। इसलिए प्लांट के बाद बोरोन का स्प्रे कहा जाता है, बोरोन का स्प्रे इसलिए ताकि बीज में बोरोन जाए और केसर की क्वालिटी आपकी अच्छी बने, ताकि जब फ्लॉरिंग होगी केसर अच्छा बनेगा, उस टाइम पे हमारा सेटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई दवाई होगी तो वो सेम चिपका देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली क्या है, हम इन चीज़ों को थोड़ा एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मेरा समझने का मतलब क्या है कि प्लांट की जो एक्टिविटी चलती है वो स्प्रिंग से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि फरवरी मार्च से स्टार्ट होती है। उससे पहले हम कुछ भी कर रहे हैं तो विंटर है और प्लांट बाहर से कुछ नहीं ले रहा, तो हम इनपुट हम तब दें जब वो प्लांट ले रहा है। अभी देखना बंद, उस टाइम पे हम दें प्लांट को तब जब वो इनपुट लेगा, फायदा तब देना देगा। तो ये कहानी।